हाँ जी, आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। चलिए फटाफट सभी लोग क्लास पे जुड़ जाइए, फटाफट करके सभी लोग क्लास पे जुड़िए। बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है आज का ये क्लास। एक बार फिर से जो है कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है, 22nd पार्ट है हमारे इस महामैराथन का, साइंस प्लस जीके का, ठीक है? जो कि एक बार फिर से एग्जाम में सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्लास पे लाइक्स तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? और एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट करिए सभी लोग। उससे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर अभी तक आपने कोस्ट गार्ड का कोई जो है टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, परीक्षा पे आप सभी के लिए डीबी और जीडी के लिए बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपके एग्जाम के लिए, जो कि 15 डीबी का, ठीक है, और 15 जीडी का है आपका। तो इसका कास्ट आपको 349 मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप एक काम करिएगा, वहाँ पे इसको बाइक करते वक्त जहाँ पे कास्ट दिया होगा 349, उसके नीचे रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, उसमें आप ये स्टैंडर्ड 50 यूज़ कर लेना। आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र 175 में आपको ये पूरा सीरीज मिल जाएगा 15 सेट का, ठीक है? तो लेकर के इसको सॉल्व करिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने खुद इन टेस्ट सीरीज को टेस्ट किया है। तो फटाफट लेकर के जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्टैंडअप 50 कूपन कोड यूज करना है, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकर के सॉल्व करिए, अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। चलिए आगे बढ़िए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है, करिएगा फटाफट। कह रहे हैं सर राजस्थान की धरती से प्रणाम, खुश रहो बाबू, फटाफट करो। कह रहा कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, किसके साथ में? यूनिफॉर्म स्पीड, टाइम, वेलोसिटी या फिर एक्सीलरेशन, क्या होना चाहिए ताकि उस मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकें? फटाफट बताओ, ताकि उस ऑब्जेक्ट के मोशन को उस सर्कुलर पाथ पे हम यूनिफॉर्म क्या कह सकें? सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म क्या होना चाहिए उसका? स्पीड, टाइम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फटाफट कमेंट करके बताइए। गति, समय, वेग, त्वरण, क्या यूनिफॉर्म होना चाहिए? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे जो है मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस मोशन को, जो वो मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने के लिए उसका जो यूनिफॉर्म जो चीज़ है वो क्या होना चाहिए? स्पीड होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, वेलोसिटी या फिर एक्सीलरेशन? बिल्कुल सही जवाब, उसका स्पीड यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है? याद रखिएगा, यूनिफॉर्म स्पीड होना चाहिए, ठीक है? एक समान क्या होना चाहिए? उसकी गति होनी चाहिए, तब जाके उस मोशन को आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलोगे, ठीक है? क्या बोलते हैं? एक समान वृत्तीय गति बोलते हैं तब उसको, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कह रहा है कि हैवी वाटर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो हैवी वाटर का इस्तेमाल ज्यादातर किसमें होता है? मतलब अग्निशामक में, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर जिसको बोलते हैं, आग बुझाने का जो काम आता है, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में, या फिर वॉशिंग क्लॉथ में कपड़े धोने में, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर और जो है फायर एक्सटिंग्विशर में? फटाफट बताइए किसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, फटाफट बताओ, फटाफट बताइए। दबा के लाइक और शेयर एक बार ठोक दीजिए तो जरा क्लास पे, सब लोग एक बार क्लास पे जरा दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, ताकि शरीर में आपके एनर्जी आ जाए। उसके बाद फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है?
क्लास देखो, एग्जाम डेट आज, कल, परसों, किसी भी दिन आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, इसलिए कंटिन्यूअस रहो। बताओ भाई, D2O का नाम सुना है, ड्यूटोरियम ऑक्साइड का नाम सुना है, हैवी वाटर जिसको बोलते हैं D2O, ठीक है, ये हैवी वाटर का फार्मूला है, ड्यूटोरियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स, परमाणु रिएक्टर्स बनाने में, ठीक है, याद रखिएगा, इनका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किया जाता है। और ये जो फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें CO2 का इस्तेमाल होता है यार, कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या है, फायर नहीं जल सकता, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। चलो, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर, कह रहा कि जैसे छोटा सा छोटा अगर टेम्परेचर हमको मेजर करना है, जैसे मान लो वैसे तो थर्मामीटर हो गए, पायरोमीटर, मतलब ऐसे बहुत सारे जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं टेम्परेचर मेजर करने वाले, लेकिन अगर जैसे मान लो कि लिस्ट से लिस्ट अगर मेजर करना हो, छोटा से छोटा तापमान मेजर करना हो, उसके लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है? डाइगोमीटर, क्रायोमीटर, क्रोमेटोपोटोमीटर या फिर साइमोमीटर, बताइए। डाइगोमीटर, क्रोमोमीटर, क्रोमेटोपोटोमीटर या फिर साइगमोमीटर, किसका इस्तेमाल होता है? गलत कर रहे हो, बताओ फटाफट। साइमोमीटर होता है, ठीक है, याद रखना। लो टेम्परेचर्स, जैसे मान लो कि कम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, लिस्ट टेम्परेचर्स को, लो टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए साइमोमीटर का इस्तेमाल होता है, इस इंस्ट्रूमेंट का याद रखिएगा नाम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कह रहा है कैलोरीफिक वैल्यू आपको पता होगा। देखो कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है कि अगर कोई सब्सटेंस है वो जलता है, पूर्ण कंबस्टन होता है उसका, मतलब किसी सब्सटेंस का पूर्ण रूप से अगर कंबस्टन हो रहा है तो उससे जो एनर्जी या फिर जो हीट या फिर जो कैलोरी निकलती है, टोटल हीट जो जनरेट होता है, उसी को उस ऑब्जेक्ट की कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप पेट्रोल का भी कैलोरीफिक वैल्यू जो है कैलकुलेट करते हो, वाटर का भी कैलकुलेट करते हो, ठीक है, कि अगर उस चीज का कंप्लीट कंबस्टन हो, पूर्ण रूप से वो जले, फिर जो हीट उसे जनरेट हो या फिर जो कैलोरी जनरेट हो, वो उसका यूनिट पूछ रहा है क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट पूछ रहा है। केजी न्यूटन अपान किलोग्राम, केजी जूल अपान किलोग्राम, केजी वाट अपान सेकेंड, केजी कैलोरी अपान सेकेंड, फटाफट बताओ। किलो वाट अपान सेकेंड, किलो कैलोरी अपान सेकेंड, क्या होता है? एक लड़का सही बताया, सुखवीर सिंह। अरे बाबू इसमें ध्यान रखो, मैंने हीट के बारे में जूल बताया था, जूल आना चाहिए इसमें, जूल जूल एनर्जी है, ठीक है। तो क्या होगा, किलो जूल अपान किलोग्राम, ठीक है, किलो जूल अपान किलोग्राम आपका ये इसका यूनिट होगा कैलोरीफिक वैल्यू का। कैलोरीफिक वैल्यू फिर मैं बता देता हूँ क्या होता है, उष्मीय मान बोलते हैं। जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है, अगर वो पूर्ण रूप से उसका कंबस्टन हो रहा है, तो वो चीज पूर्ण रूप से जल करके कितना हीट जनरेट कर रही है, ठीक है। मैं आपको मतलब ये छोटे स्तर का मैं आपको डिफिनेशन दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाओ, ठीक है, कि अगर कोई चीज है वो जल रही है, उसका कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है, तो कंप्लीट कंबस्टन होने के बाद वो कितना हीट जनरेट कर रही है, वही होता है उस ऑब्जेक्ट की कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसका यूनिट यही होता है, किलो जूल अपान किलोग्राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, व्हाई इज वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड व्हाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ इन ए स्पेसशिप। कह रहा है कि अर्थ के ऑर्बिट में घूमते वक्त, ठीक है, बाहरी बाहरी क्षेत्र में, कह रहा है भारत का जो बाहरी क्षेत्र है, ऑर्बिट है, उसमें स्पेसशिप में बैठ करके घूमते वक्त हमें जो है भारहीनता क्यों अनुभव होती है? इनर्सिया के वजह से, एक्सीलेशन के वजह से, जीरो ग्रेविटी के वजह से, या फिर ऑर्बिटल मोशन के वजह से, फटाफट बताइएगा। फटाफट बताइए, चलो मैं देख लूंगा वो, विपिन अभिषेक मैं एक बार देख लूंगा वो, ठीक है, एक बार मैं देख लूंगा क्रायोमीटर वाला, चलो देख लूंगा बाबू, अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो,
Why is weightlessness experienced while orbiting the Earth in a spaceship? कह रहा है कि अंतरिक्ष जहाज में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए भारहीनता का अनुभव क्यों होता है? मतलब वहां पे वेटलेसनेस जैसे लगेगा आपके शरीर में कोई वेट ही नहीं है, आप क्या होते हो, फ्री हो करके क्या होते हो, इधर उधर तैरते हो, ठीक है, हवा में तैरते हो। वो जीरो ग्रेविटी की वजह से होता है, क्योंकि उस समय उस स्पेस में, फ्री स्पेस में क्या होता है, अंतरिक्ष में आपका ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, उसके वजह से होता है, जीरो ग्रेविटी की वजह से। चलो नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कल हमने किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम अगर आपसे पूछे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये v हो गया और ये t हो गया, ये वेलोसिटी है और ये हो गया टाइम, ये बता दीजिए। अरे यार एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, ये बता, फिर से गया ऊपर, पिन भाग रहा है, ये बताओ मुझे ये क्या है, ये क्या दर्शाता है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ये स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप ये क्या दर्शाता है? एक्सीलेशन, डिस्टेंस, स्पीड, मोमेंटम, फटाफट बताइए। अरे स्पीड कैसे दर्शाएगा, डिस्टेंस टाइम भी स्पीड ही दर्शाएगा, वेलोसिटी टाइम भी स्पीड ही दर्शाएगा, हैं? कल मैंने डिस्टेंस अपन टाइम बताया था, वो स्पीड दर्शाता है ना, ये वेलोसिटी अपन टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका एक्सीलेशन दर्शाता है, ठीक है, क्या दर्शाता है, एक्सीलेशन, मोमेंटम नहीं, एक्सीलेशन, ठीक है अनुराग, एक्सीलेशन। बेकार अभिषेक मिश्रा, क्वालिटी साफ करो ना, 480p या 720p में करके देखो, बेकार दिख रहा है, तो जब क्वालिटी साफ करने आएगा तभी तो साफ दिखेगा तुमको, है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। एज ए सेलर, देखो कह रहा कि जब ये कोई नाव है, जैसे मान लो आपने देखा होगा आपके गाँव में नदी वगैरह होगी तो नाव आपने देखा होगा कि जब नाव आदमी जो है, जब नाव किनारे आके लगती है तो जब कोई आदमी मान लो इस पे खड़ा है, ये आदमी है ये, ठीक है ये आदमी है, और जब कोई आदमी ये आगे की तरफ जंप करता है, ठीक है, तो देखना इन नाव पीछे की तरफ क्या होती है, जाती है, ठीक है, मूव करती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन के कौन से नियम का एग्जाम्पल है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फटाफट बताइए। जैसे नाविक आगे की दिशा में कूदता है, नाव पीछे की ओर जाती है, ये उदाहरण न्यूटन को दर्शाता है। अरे ठीक है, हिंदी कोई बेकार नहीं है, कोई इतना भी बेकार जो है वो नहीं है, गति का दूसरा नियम, गति का पहला नियम, गति का तीसरा नियम, कोई बहुत ही, ये पूछ रहा है कि न्यूटन के कौन सी गति को दर्शाता है, इतना तो समझ है ना आपके अंदर, अभी हिंदी, अभी जब हिंदी साफ ही नहीं मिलता लिख करके तो फिर कैसे करते। क्या लिखा है, जब नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो क्या होता है, नाव पीछे की तरफ, पीछे की ओर चलती है, पीछे की तरफ धक्का खा करके पीछे की तरफ जाती है, क्या हिंदी गलत हो गया इसमें। देखो ये कहता है न्यूटन का ये तीसरा नियम है जो कहता है ईच एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अगर आप दीवाल पे जो है, अगर आप दीवाल पे धक्का लगाते हो, ठीक है, दीवाल पे मान लो ऐसे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो दीवाल भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है, बस ये है कि बशर्ते हमें दिखता नहीं है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, जितना आप लगाते हो ठीक उतना ही जो है फोर्स क्या है, दीवार भी आप पे लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये न्यूटन का नियम कहता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, जब हम लोग जो है गन फायर करते हैं, ठीक है, जब गन फायर किया जाता है, ठीक ना, तो देखना कि बंदूक क्या होती है, झटके से बंदूक की गोली आगे की तरफ जाती है, और क्या होता है, झटका लगता है, बंदूक पीछे की तरफ आती है, ठीक है। तो ये भी आपका न्यूटन का तीसरा नियम ही है, ठीक है, कि बंदूक क्या है, झटका देती है, हम लोग फोर्स के साथ क्या कर फायर करते हैं, तो फिर जो है बंदूक बुलेट फायर होती है, बंदूक भी हमें पीछे की तरफ झटका देती है, ठीक है। तो ये है आपका न्यूटन का तीसरा नियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द अर्थ इज हैविंग इट्स ऑन एटमॉस्फियर, पृथ्वी का अपना खुद का वायुमंडल क्यों है। अभी एग्जाम डेट नहीं आया है, आज कल परसों कभी भी आ सकता है, ठीक है, अभी आए नहीं है फिटनेस पूर, रुक जाओ कुछ एक दो दिन वेट कर लो, ठीक है, अभी आए नहीं है, आ गया होगा तो देख लेंगे, और क्या है, अभी जस्ट मैंने चेक किया है, ठीक है, अभी आया नहीं है, आएगा तो देख लिया जाएगा, ठीक है।
चलो इसके बाद वीडियो कर लेंगे अगर आ गया होगा तो। वाई द अर्थ इज हैविंग इट्स ऑन एटमोस्फियर, बताओ। ग्रेविटी के कारण जो है पृथ्वी के पास अपना खुद का वायुमंडल है, ठीक है, ग्रेविटी के पास अपना खुद का वायुमंडल है, याद रखिएगा। अभी क्लास के बाद चेक कर लेंगे, पहले क्लास कर लो, ठीक है। क्या लिखा, क्लास छोड़ के भागो वे, वाह क्या बात है, एडमिट कार्ड एग्जाम डेट के लिए क्लास छोड़ दोगे, देख लिया जाएगा, अभी यहीं देख लेंगे, ठीक है। आज ऑनेस्ट हो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन अल्कोहल इज, ये शानदार, ये शानदार क्वेश्चन है, ये गलत मत करना। कह रहा है कि एक अल्कोहल का आपको भी पता है कि बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको अगर केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, बताओ कैसे करोगे। केल्विन स्केल में अगर कन्वर्ट करना है इसको, केल्विन स्केल पर अगर यही टेम्परेचर मेजर करना है तो कितना होगा, 78 केल्विन, 341 केल्विन, 373 केल्विन या 351 केल्विन, फटाफट बताइए। देखो एक सिंपल सा रूल मैं बता देता हूं, टेम्परेचर से केल्विन में चेंज करने का, केल्विन से टेम्परेचर में चेंज करने का, जो वैल्यू अगर डिग्री सेल्सियस का, मान लो अगर ये वैल्यू दिया है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का, तो आप एक काम करना 78 प्लस 273 कर देना, ये जो है स्पेसिफिक होता है, इसको याद रखना, ये जो पार्टिकुलर चीज है, ठीक है। तो जब आप देखो, हमको केल्विन में कन्वर्ट करना था 78 डिग्री सेल्सियस को, तो 78 प्लस 253 कितना होता है, 351 होता है, आंसर सही हो जाएगा 351, ठीक है, 351 केल्विन आपका 78 डिग्री सेल्सियस होगा। और मान लो अगर यही उल्टा दिया रहता, अगर 351 केल्विन दिया रहता और पूछता कि डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू बताओ, तो आप एक काम कर देते, 351 माइनस 273 कर देते। जब केल्विन से अगर सेल्सियस निकालना डिग्री सेल्सियस, तो माइनस करो 273 में, ठीक है, 273 को माइनस करो, और अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन वाले इस वैल्यू के साथ में जोड़ लो, आपका केल्विन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि कन्वेक्स लेंस और सॉरी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ये दोनों किसके एग्जांपल है, प्लेन मिरर के, स्पेरिकल मिरर के, इन्वर्टेड मिरर के या फिर इरेक्ट मिरर के, फटाफट बताइएगा ये दोनों किसके एग्जांपल है। कन्वेक्स और कनकेव मिरर जो है दोनों किसके एग्जांपल है आपके, फटाफट बताइए। ये स्पेरिकल मिरर के, सब बात बिल्कुल सही जवाब है सभी का, गोलाकार दर्पण बोलते हैं, स्पेरिकल मिरर्स के जो है एग्जांपल है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ। कह रहा है कि आपको यहां पे कैलकुलेट करना है प्रेशर पास्कल में, काफी आसान है, आपका थ्रस्ट दिया गया है, थ्रस्ट फिर से मैंने बता दिया परपेंडिकुलर फोर्स होता है, भूलना मत, थ्रस्ट भी फोर्स ही होता है, वो परपेंडिकुलर फोर्स होता है। जैसे मान लो आप हथौड़ा मार रहे हो, अगर आप पृथ्वी पे चल रहे हो, वो क्या है, आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो, वो थ्रस्ट फोर्स है, ठीक है। तो 600 न्यूटन का थ्रस्ट है और 24 मीटर स्क्वायर का आपका जो है एरिया है, ठीक है। तो फटाफट प्रेशर कैलकुलेट करिए जरा। देखो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, कैलकुलेट करो, फोर्स कितना 600 न्यूटन का, एरिया कितना 24 मीटर स्क्वायर है, कट करोगे कितना आएगा 25 पास्कल, ठीक है, 25 पास्कल्स का प्रेशर लग रहा है, 25 पी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान से देखना। कह रहा है कि कोई एक ग्लास का टंबर है, ठीक है, ग्लास जैसे मान लो एक ग्लास ही है, ग्लास का कोई वो कह रहा है कि नहीं, एक केमिस्ट्री क्लास में आपने देखा होगा जो टंबर होता है, ठीक है, टम्बलर जो होता है, उसमें कह रहा है कि पानी के अंदर जो है एक नींबू रखा गया है। अब नींबू अपने एक्चुअल साइज से बड़ा दिख रहा है, अगर देखा जाए तो, साइड से अगर देखा जाए तो, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, या फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है, या फिर रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है, या फिर डिफ्रेक्शन हो रहा है, फटाफट बताइएगा। क्या होता है, फिटनेस पूरा आ गया एग्जाम डेट, तो फिर जाकर के एग्जाम डेट देखो ना, अगर आ गया है तो, है आ गया है तो एग्जाम डेट जाके देखो, क्लास में क्यों हो, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट होगा ना, क्या होगा, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के वजह से वो दिखता है, अपियर अपने साइज से जो है थोड़ा बिगर अपियर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अरे वही वाला रूल है जो सन का मैंने बताया था कि 2 सेकंड
सूर्य उगने से 2 सेकंड पहले ही हमें उगा हुआ दिखाई देता है, जबकि एक्चुअल सनराइज नहीं हुआ होता है। और सूर्य डूबने से पहले ही हमें क्या होता है, सूर्य डूबने से पहले ही हमें क्या दिखाई देता है कि सूर्य डूब गया, लेकिन एक्चुअल जो है वो डूबा नहीं होता है, 2 सेकंड का लेट होता है। ठीक है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, याद कर लीजिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चले बाबू, तुम ही पहले बोले हो कि क्लास छोड़ के भागो बे, एग्जाम डेट आ गया है। चलो अगला कह रहा है सन स्पॉट्स। देखो सूर्य में एक आपने देखा होगा कि जो सूर्य का जो बाहरी सरफेस होता है, ठीक है, जो बाहरी सरफेस होता है उसमें आपने देखा होगा कि काला काला धब्बा दिखाई देता है। तो कह रहा है कि वो काला धब्बा जो है डार्क होता है, अंधेरा होता है वहां पे। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट का जो सन का सरफेस है उससे गर्म होता है, या फिर मोर मैग्नेटिक होता है जो है सूर्य के बाकी सरफेस से, या फिर ठंडा होता है सूर्य के बाकी सरफेस से, ठीक है, या फिर नन आप दिए वो बताइए। फ्रीक्वेंसी क्लियर नहीं आ रहा है, हम यहां से फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं क्या तुम्हारे पास है? एक बार अगर साफ नहीं दिख रहा हो तो एक बार वो कर लो, क्वालिटी सही कर लो एक बार वीडियो की, बताओ क्यों होता है सन स्पॉट्स जो दिखाई देते हैं, काले धब्बे दिखाई देते हैं, वो एक्चुअल में अंधेरा होता है वहां पे, बताओ। धब्बे जो सूर्य पे धब्बे हैं वो काले क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि देखो वो क्या है ना, बाकी का जो अर्थ सरफेस है वो कहीं ना कहीं उनसे ठंडे होते हैं, कूलर होते हैं, ठीक है, इसलिए वहां पे काले धब्बे दिखाई देते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, इनकी जो गर्मी होती है वो कहीं ना कहीं जो है 3700 डिग्री सेल्सियस से लेकर के, ठीक है, 3700 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6700 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और वहीं जो बाकी का पूरा अर्थ का जो बाहरी सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना होता है, मैंने आपको बताया था, बताइए कितना होता है, 5500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 5500 डिग्री सेल्सियस से 10000 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, बताया था ना मैंने आपको, ये बाहरी सरफेस का टेम्परेचर है। और ये डार्क स्पॉट वाले सरफेस वो जो है एरिया का टेम्परेचर है जो अंधेरा दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो सरफेस है, ठीक है, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं ये वाला जो सरफेस है डार्क एरिया वाला, वो कहीं ना कहीं इस वाले सरफेस से बाकी के सरफेस से ठंडा होता है, जिसके कारण वो डार्क अपीयर होता है वो सन स्पॉट, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बाबू, नाइक सेक्शन 1 और सेक्शन 2 एक ही दिन नहीं, एक ही बार में होगा, एक ही बार बैठे हुए हो जाएगा, ठीक है। अब मैसेज मत करना गुरुजी क्लासेस, अब क्लास लो, क्वेश्चन करो, ठीक है, बता दिया मैंने, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास पे लाइक्स बिल्कुल भी नहीं है आज, आज क्लास पे लाइक्स बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेक्टिफायर का काम बताइए फटाफट, रेक्टिफायर का काम क्या होता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज, एसी को डीसी, डीसी को एसी, फटाफट बताइए। वाह बाबू अंकित, एक बार कह रहे हो सर एग्जाम डेट नहीं आया, एक बार कह रहे हो सर एग्जाम डेट आ गया, कहाँ है, धर्म संकट में डाल लो, क्लास में बैठे हुए हैं, धर्म संकट में मत डालो, ठीक है, धर्म संकट में मत डालो, देख लिया जाएगा, काम करो, अगर आया होगा एग्जाम डेट तो भी देख लेंगे, नहीं आया होगा तो भी देख लेंगे, ठीक है। तो रेक्टिफायर्स का काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, एसी करंट को डीसी करंट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफायर के मदद से। नेक्स्ट, डीसी से एसी को कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बताइए, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का किसका वो इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टर का, ठीक है, इन्वर्टर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड वेव्स ऑडिबल टू ह्यूमन बींग्स, कह रहा है कि मानव को सुनाई देने वाली ध्वनि तरंगों की आवृत्ति की सीमा क्या होती है, 16 किलो हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 16 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, या फिर 14 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, फटाफट बताइएगा। फटाफट बताइए, आवृत्ति कितनी होती है,
मानव को सुनाई देने वाली जो ध्वनि होती है, ध्वनि तरंगे होती है, उनकी आवृत्ति की सीमा कितनी होती है? 20 किलो हर्टेज तक की होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 20 हर्टेज से 20 किलो हर्टेज तक होता है। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, इस वाले में कंफ्यूज मत होना, रेक्टिफायर वाले में एग्जाम में बहुत बार ये आता है, हर बार ये पूछता है, इसलिए कंफर्म रहना इसके बारे में। एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर जो घर में लगाते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अगला क्वेश्चन हमारा जीके का शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, फिर जीके के क्वेश्चन शुरू करते हैं। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, फिर जीके के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दिस फोक डांसेस इज एसोसिएटेड विद राजस्थान, बताइए इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? डांडिया, घूमर, गिद्धा, भांगड़ा। जब क्वालिफाई करोगे तभी चेला बनाएंगे, अभी नहीं, पहले क्वालिफाई करो एग्जाम। बताओ भाई इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? घूमर, घूमर। एक सॉन्ग आया था घूमर घूमर घूमर, आपने सुना होगा वो सॉन्ग। ठीक है, तो घूमर का वहां का याद रखिएगा, फॉल्क डांस है राजस्थान का। अगला फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया एग्जाम में आता है, इसी अभी इनकी इनका देहांत हुआ है हाल ही में, अभी इनका हाल ही में जो है एक साल के अंदर कहीं जो है एक डेढ़ साल के अंदर अभी इनका देहांत हुआ है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। बताइए महेंद्र अहलूवालिया, कुलविंदर सिंह, गुरिंद्र चड्ढा, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह। ठीक है, भाग मिल्खा भाग मूवी देखे हो ना, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एग्जाम में आता है ये। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है? टॉप क्वेश्चन है, फटाफट बताइएगा, एग्जाम एग्जाम में आता है आपके, ये एग्जाम में आता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द जो है भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है? रिलीजन, इक्वलिटी, सोशलिटी, सेकुलर। भाई धर्म निरपेक्षता तो आएगी ही, कि मतलब हम धर्म निरपेक्ष हैं, किसी धर्म के बारे में हम बात नहीं करते हैं, लेकिन धर्म नहीं है। ठीक है, धर्म जो है हमारे संविधान का कोई हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा, भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है आपका धर्म, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रिलीजन। ठीक है, धर्म आपका भारत के प्रस्तावना में शामिल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कह रहे हैं विच सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। देखो कॉटन के लिए तो ब्लैक सॉइल होता है, आपको भी पता होगा कि कॉटन उगाने के लिए एग्जाम में बार बार पूछता है, ये याद रहना चाहिए, क्योंकि उसको काली कपासी मिट्टी बोलते हैं, वैसे ही इनाम याद हो जाएगा, क्योंकि उस पर कपास की खेती होती है बहुत अधिक मात्रा में, कॉटन की खेती होती है। लेकिन यहाँ पे कॉफी और टी के जो है उत्पादन के लिए, ठीक है, उगाने के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी है? रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, ड्राई सॉइल। एक बार साइंस की क्लास भी देख लिया करो यार, क्या कर रहे हो आप लोग, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नहीं देख रहे हो, साइंस की क्लास डेली आप लोग मिस कर रहे हो, बताओ। मैं साइंस की क्लास में किसी को नहीं देखता हूं। क्या होगा? लेटराइट सॉइल, याद रखिएगा, चाय और कॉफी उगाने के लिए किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है? लेटराइट सॉइल सबसे उपयोगी है, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बीसीसीआई के बारे में, तो आपको पता ही होगा, अगर क्रिकेट के फैन हो, क्रिकेट देखते हो, तो बीसीसीआई का फटाफट बता दो गठन कब हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का फटाफट बताइए, सबसे बड़ा क्रिकेट वो है आपका, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सबसे बड़ा है बीसीसीआई आपका, आपको भी पता होगा। तो बीसीसीआई का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1928, नवंबर 1930, नवंबर 1931, नवंबर 1929। फटाफट बताइए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई का गठन कब हुआ था? अरे काहे गलत कर रहे हो बाबू, क्यों गलत कर रहे हो? एक लड़का सही बताया, फिटनेस पूर, दिसंबर 1928 याद रखना,
दिसंबर 1928 को बीसीसीआई का गठन हुआ था, ठीक है, दिसंबर 1928, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच मॉन्यूमेंट वाज बिल्ड बाई एम्परर औरंगजेब सन आजम खां, कह रहा है इनमें से कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम खां आजम शाह द्वारा बनवाया गया था, नीला गुंबद, बुलंद दरवाजा, बीबी का मकबरा, हवा महल, फटाफट बताइएगा। बताइए कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था, नीला गुंबद, बुलंद दरवाजा, बीबी का मकबरा, हवा महल। अभी से परेशान हो गए क्या श्याम कुमार? हम कह रहे हैं आज 100 क्वेश्चन करवाएंगे, तो कोई दिक्कत है क्या? क्या होगा, बीबी का मकबरा बनवाया गया था, याद कर लेना, आजम शाह, ये आजम शाह के द्वारा, ठीक है, ये औरंगजेब का बेटा था, ठीक है, उसने ही बनवाया है बीबी का मकबरा, आपने सुना होगा, काफी फेमस मॉन्यूमेंट्स है आपका, ठीक है, स्मारक है, ये पूछता भी रहता है कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, हु रोट द फेमस इपिक पद्मावत, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है आपके, ये प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा है, फटाफट बताइएगा। मलिक मोहम्मद जैसी, अमीर खुसरो, अबुल फजल, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फटाफट बताइए। मलिक मोहम्मद जैसी, अमीर खुसरो, अबुल फजल, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये बहुत ही इपिक है, बहुत ही फेमस है आपका, ये एग्जाम में बार बार आता है आपका, किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जैसी, याद कर लीजिएगा, किसने लिखा था पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है, बी नहीं ए होगा, ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कह रहे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, फटाफट बताइएगा, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, मतलब लीडर, अपोजिशन के लीडर, या फिर उपराष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति, फटाफट बताइएगा। ये तो गलत मत करना यार, इतना आसान है ये, एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो गलत मत करना, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट नहीं, विपिन गलत बता रहे हो, वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है, इस समय उपराष्ट्रपति कौन है आपके देश का, जरा बताइएगा, आपके देश का इस समय उपराष्ट्रपति कौन है, बताइए, देखें कितने लोगों को पता है, हाँ सब, बस वेंकैया नायडू, ठीक है, वेंकैया नायडू आपके जो है प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, आपका उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, वेंकैया नायडू इस समय जो है आपके क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कह रहा कि 22 दिसंबर को किस रूप में मनाते हैं, नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस, या राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, फटाफट बताइएगा, नेशनल साइंस डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे, नेशनल टेक्निकल डे, नेशनल लिटरेसी डे, फटाफट बताइए, 22 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है, इसकी शुरुआत की थी मनमोहन सिंह ने, ठीक है, मनमोहन सिंह ने जो है इसकी शुरुआत की थी, अब इतना बता दिया मैंने, आप गलत मत करिएगा, वाह कितने लोग डी वाले हैं बाबू, खूब पढ़ाई कर रहे हो, डी वालों खूब पढ़ाई कर रहे हो, गोपाल यादव, रोशन शर्मा, ये विपिन शर्मा, तुम भी उसी लाइन में हो, अबे गधों, ये नहीं पता कि 22 दिसंबर को क्या पड़ता है, एक बार कंफर्म हो लो, तुम लोग कंफर्म हो लो, उसके बाद फिटनेस पर तुम भी गलत हो बाबू, क्या बात है, हैं? इतना कंफ्यूजन लाइफ में, इतना कंफ्यूज रहोगे, 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है, हम पूछे 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, लाइफ में इतना कंफ्यूजन रहेगा तुम लोगों के, हैं?
अरे बिग क्या मनाया जाता है बताओ? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, श्री रामानुजन जी के जो है याद में नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। थोड़ा पढ़ लो बाबू लोग, ऐसे एग्जाम निकालोगे हैं? ये पूछा गया आपके एग्जाम में, ऐसे एग्जाम निकालोगे? कोई कह रहा है कि सर नेशनल टेक्निकल डे, कोई कह रहा है नेशनल लिटरेसी डे। वाह, ये पढ़ाई चल रही आप लोगों की। ये देखो, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है और नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को, याद रखिएगा, ठीक है? चलो, अब कह रहा है दिस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था ये बता दो। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। एक दिन एक लड़का कह रहा था सर गोलमेज सम्मेलन करवा दीजिए, फटाफट बताइएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1930, दिसंबर 1929, दिसंबर 1931, दिसंबर 1932। देखो ये क्या है ना कि जो गोलमेज सम्मेलन था ना, इसका जो समय काल चलता था वो कहीं ना कहीं सितंबर से दिसंबर के बीच में ही चलता था, इसीलिए सब में दिसंबर दिसंबर दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। दिसंबर में जाके खत्म होता था, सितंबर अक्टूबर में इसका वो होता था, शुरुआत होती थी, और दिसंबर में जाके खत्म होता था। तो कब हुआ था सेकेंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? 1931 दिसंबर, सितंबर 1931 में शुरुआत हुई थी, दिसंबर 1931 में खत्म हुआ। तो जब खत्म होता है उसी को माना जाता है जो लास्ट टाइम होता है। तो दिसंबर 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था, याद कर लेना, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई, आज क्लास पे जो है 40 लाइक्स हैं, क्या बात है, क्लास खत्म होने वाला है, आज क्लास पे 40 लाइक्स हैं, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? डेली 70 से 80 लाइक्स होते हैं क्लास इंड होते होते, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो आप लोग बताइए? क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चार भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भूमि से चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है, ठीक है? विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया सराउंडेड बाय लैंड? तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, मार्मुगाओ या फिर कांडला? कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो कि भूमि से चारों तरफ घिरा हुआ है, भूमि से घिरा हुआ चारों तरफ से, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, ठीक है, याद रखना। देखो अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है ना, कोई क्वेश्चन अगर अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, याद रखना, एक मिनट रुक जाओ जरा। ये होगा विशाखापट्टनम, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है? देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब कोई आंसर गलत होता है ना बाबू, झगड़ा हम नहीं करते यार, महिलाएं हैं इधर अगल बगल में जो है। अब मान लो हम भी कहीं दिल्ली में, अब इतने अमीर तो है नहीं कि अपना खुद का जो है फ्लैट लेकर रहेंगे, हैं तो अगल बगल में महिलाएं हैं, थोड़ा पता ये महिलाओं का क्या चलता है, ठीक है? तो बताओ इसमें भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? विशाखापट्टनम, याद करना। देखो कभी भी आंसर गलत हुआ, जब गुस्सा आए अपने आप पे कि अरे यार गलत कर दिया हमने, ठीक है, तो लाइक वाला बटन है उस पर पूरा गुस्सा निकाल सकते हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट आ जाओ। द पीरियड ऑफ 12th 5-year plan इन इंडिया वाज, करे कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपको बतानी है, बताइए। 2013 से 2018, 2012 से 2017, 2010 से 2015, 2011 से 2016, फटाफट बताइए। अबे बाबू दो बार लाइक करोगे तो लाइक हट जाएगा, एक ही बार लाइक किया जाता है, दोबारा करने से हट जाता है, अनलाइक हो जाता है। द पीरियड ऑफ 12th 5-year plan इन इंडिया कौन सा था?
ये जो 12th 5-year प्लान था वो 2012 से 2017 था, लेकिन अब कोई 5-year प्लान नहीं होगा, मतलब 13वां 5-year प्लान नहीं होगा, क्योंकि 5-year प्लान क्या है 2017 में बंद कर दिया गया। ठीक है, जो ये इतने समय से 1951 से जो ये 5-year प्लान चलता आ रहा था, ठीक है, 1951 से इसको 2017 में बंद कर दिया गया, 12वें जो है 5-year पंचवर्षीय योजना के बाद इसको बंद कर दिया गया, अब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना, अब आगे वो कोई जो है 7 साल या कुछ करके ऐसे कोई ड्राफ्ट बना रहे थे ऐसे कानून लेकर के। द फेमस म्यूजिशियन ऑफ इंडिया उस्ताद बिस्मिल्ला खान वाज ऑनर्ड विद द अवार्ड इन 2021। बताओ, भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्ला खान को 2001 में जो है डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फटाफट बताइए, फटाफट बताइएगा। भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्ला खां को 2001 में कौन सा पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया था? पद्मभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण या भारत रत्न? अब देख रहा हूं कितने लोग गलत कर रहे हो यहां पे। वाह, अभी तक एक आंसर नहीं सही आया, अभी तक किसी एक लड़के का भी आंसर सही नहीं आया। अरे साफ नहीं दिख रहा है बाबू मोरिया, तो एक बार 480p या 720p पे क्वालिटी कर लो, साफ दिखेगा। अरे ये क्वेश्चन मैं आपको काफी बार पढ़ा चुका हूं, भारत रत्न से नवाजित किया गया था उस्ताद बिस्मिल्ला खां को। ठीक है, याद रखना, 2001 में जो है इनको भारत रत्न से जो है ऑनर किया गया था, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल एबोलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती, जो सती प्रथा था, आपको ये राजा राम मोहन राय ने बड़ी मदद की थी। ठीक है, बहुत मेहनत की थी राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा को खत्म करने में, लेकिन किस गवर्नर जनरल के टाइम में यह खत्म हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कार्नवालिस या फिर लॉर्ड बेंटिक? फटाफट बताइएगा, किसके टाइम में सती प्रथा खत्म किया गया था, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया था? मुख्य योगदान जो है राजा राम मोहन राय का था, याद रखना, मुख्य योगदान पूछेगा तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, लेकिन कौन से गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था सती प्रथा खत्म? लॉर्ड बेंटिक के टाइम में, याद रखना, किसके टाइम में? लॉर्ड बेंटिक के टाइम में। बिल्कुल सही जवाब, जितने भी लोगों ने डी बताया है, बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड बेंटिक के टाइम में। ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, कह रहा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार ये क्वेश्चन होता है, मनरेगा कब लागू किया गया था ये बता दो, फटाफट बताना। मनरेगा जिसको बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, फटाफट बताओ। ये बार बार पूछा जाता है, गलत मत करना, बार बार हर बार, ये हर एग्जाम में देखो, हर साल कोई भी शिफ्ट हो, किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा मनरेगा वाला, इसलिए गलत मत करना, ये मत सोचना, ये सोच के मत छोड़ देना कि आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, कब लागू किया गया था? 2005 में, याद रखना। ठीक है, कांग्रेस द्वारा 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये पारित किया गया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा बोलते हैं उसको, गांव में नरेगा बोलते हैं, मनरेगा नहीं बोल पाते तो नरेगा बोलते हैं गांव वाले। ठीक है, 2005 में, चलो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड द नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन, ये लास्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए है, उससे पहले एक बार दबा के जो है लाइक बटन तोड़ दीजिएगा जरा क्लास का। ठीक है, एक बार लाइक बटन तोड़ दीजिए और एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, शेयर वाले बटन को भी मत भूलिएगा, और उसके बाद इसका आंसर जो सही होगा सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। आपको भी पता है कि क्वेश्चन फॉर यू वाला जो होता है ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए होता है, जो सही होगा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और इसका PDF ले लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और साथ में डेली सुबह 11:30 बजे मैथ का क्विज करवाता हूँ 11:30 AM पे, और शाम को 8:30 PM पे जो है
अन्य सब्जेक्ट का क्विज करवाता हूँ आपकी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना तो बनता है। अगर टेलीग्राम फैमिली के मेंबर नहीं हो तो जरूर जुड़ो टेलीग्राम पे, ठीक है। फिलहाल के लिए क्लास को लाइक कर दीजिए, जो सही होगा आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा, और इसका आंसर पीडीएफ से देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता होगा तो, ठीक है, कि किस क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और देखते हैं क्या एग्जाम डेट का क्या प्रावधान है, आज कल परसों कब आता है, ठीक है। घबराइए मत, बस बस चंद लम्हों का इंतजार है, ठीक है, चंद लम्हों का इंतजार है, आप अपने आप को तैयार रखिएगा। थोड़ा एग्जाम डेट आज आने दीजिए तो थोड़े आपको सेक्शन वन से मैथ वगैरह का थोड़ा स्ट्रेटजी बता दूंगा, ठीक है। स्ट्रेटजी वीडियो आपको अपलोड करवा दूंगा मैथ का, और साथ में साइंस इंग्लिश वगैरह का, कि कैसे करना है, कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, कम से कम समय में कैसे जो है तैयारी करनी है, ठीक है, ताकि अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो एग्जाम डेट मैं देख लेता हूँ, आज कल में वेट कर लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, अरे इट्स ओके, क्लास को लाइक कर दीजिए। तो मैं देख लेता हूँ, अब आज आता है, कल आता है, परसों आता है, यही तीन डेट है। आज 12 है, 12 13 14 तीन दिन आपके पास है, इन्हीं तीन दिन में कोई एक डेट पे आपका डेट अनाउंस हो जाएगा कि इस डेट से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप अपना एग्जाम डेट और सीटी देख सकते हो, ऐसा कुछ मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो थोड़ा वेट कर लो। फिलहाल के लिए फिर मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद सभी को। करवा दूंगा बाबू, इंग्लिश करवा दूंगा, समीर कुमार।